किसी भी पौधे को पानी लगाने के लिए उसके तने के पास में, उसकी जड़ के पास, उसके तने के पास में पानी पिलाने के लिए एक अच्छी सी मेड़ बनी होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसके तने के पास में 1.5 फीट की गोलाई के अंदर मेड़ बनाई गई है, और तने के पास में मिट्टी नहीं हटाई गई है, तने के पास में मिट्टी रखी गई है ताकि मिट्टी का तने को सपोर्ट रहे। और उसके पास में 1.5 फीट की गोलाई में आप ऐसी बढ़िया सी मेड़ बनाएंगे तो उसके कई सारे फायदे होते हैं। जैसे अपन इसको बिना ड्रिप सिस्टम के पानी पिलाते हैं तो इस गड्ढे को एक बार में पूरा फुल भर देते हैं, तो उसकी जो नमी होती है वो नीचे जड़ की गहराई तक पूरी नमी नीचे तक जाती है। और दूसरी बात ये, इसमें पानी ज्यादा आएगा। और जैसे अपन ने पौधे को अगर खाद देनी है तो ये जो 1.5 फीट की चौड़ाई में जो मेड़ बनी हुई है, इस मेड़ के अंदर हम जैसे मतलब 2 किलो 5 किलो खाद, गोबर की खाद अगर डाल के रख देते हैं तो वो उस खाद की खुराक पूरी उसी पौधे को मिलती है। उससे क्या है कि उस पौधे के अंदर ग्रोथ अच्छी रहती है। और जैसे हम उसमें पानी पिलाते हैं तो खाद की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ के अंदर जाती रहती है। अगर हम ये मेड़ नहीं बनाएंगे तो इसके अंदर, जैसे हम जैसे ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर मेड़ नहीं बनाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर ड्रिप लाइन डली हुई है, ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, तो पौधे को पानी तो मिल रहा है, इसको नमी तो मिल रही है, लेकिन जैसे हमें इस पेड़ की जड़ के अंदर खाद डालनी है तो अगर वो खाद हम डालेंगे तो या तो वो पानी के साथ में बह के दूसरी साइड में चली जाएगी, या फिर खाद हल्की होती है तो तेज हवा चलती है तो उससे उड़ भी जाती है, तो वो खाद प्रॉपरली उस पेड़ को नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसके पास में प्रॉपरली 1.5 फीट की चौड़ाई की अच्छी सी मेड़ बनी हुई बहुत जरूरी होती है। हाँ, ये है कि पौधे को पानी पिलाने के लिए, पौधे को प्रॉपरली उसको उसके अंदर नमी मेंटेन करने के लिए ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। ये सभी जो पेड़ हैं इसके अंदर मेड़ बनी हुई है, लेकिन इनमें सब में ड्रिप लगी हुई है, इसलिए ड्रिप का जो सिस्टम है ये पानी, पौधे को पानी पिलाने के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है। ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगा हुआ है अब, हालांकि इसको सपोर्ट नहीं दिया है, इसको दीवार के पास में सपोर्ट दिया जाएगा। इसलिए ड्रिप और ये जो मेड़ है ये पौधे के लिए बहुत बेस्ट है। इसी मेड़ के अंदर ये जो आप देख रहे हैं सभी जितने भी पौधे हैं सभी के मेड़ बनी हुई है। बारिश के टाइम में ये मेड़ बहुत ज्यादा काम देती है, जैसे मतलब जहाँ पे चिकनी मिट्टी नहीं है वहां पर बारिश का पानी इसके अंदर आराम से रुकता है, और उसी टाइम पर हमने इस पौधे के पास में 2-2 किलो खाद डाल, वो खाद कहीं पे भी इधर उधर बहके नहीं जाएगी और वो उस खाद का उस पौधे को फायदा मिलेगा। पौधे पानी के साथ में वो खाद उस पौधे की रूट तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।